भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए फिलहाल सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरी दुनिया में भारत के मूल्यों को, भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री पुजारी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, सद्भावना रखने वाला हो, इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ जी गए थे, वहाँ पर उनको कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली है। पार्टी के लोगों कह रहे हैं कि कैमरामैन के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वहाँ पर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं। फिलहाल मैं राजनीतिक सवालों पर आज कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के पश्चात सभी राजनीतिक सवालों का खुल करके जवाब दूंगा, लेकिन अभी मेरा फोकस, मेरा ध्यान सियासत की तरफ नहीं है, सनातन की तरफ है। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है, और राष्ट्र को के निर्माण में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए फिलहाल सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरी दुनिया में भारत के मूल्यों को, भारत की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों लोगों का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। वैसे साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो सन्यासी हैं, तो क्या तरह की जो बयानबाजी सामने आती है? भारत का प्रधानमंत्री पुजारी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, सद्भावना रखने वाला हो, इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सर दुबई में ही प्रधानमंत्री ने मंदिर का जो शामिल है, क्या कहना चाहते? नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे अभागे नेता है जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के बेटे ने सारे जितने सोशल मीडिया है उन पर सर अपना कांग्रेस का नाम हटा दिया। जो राष्ट्रभक्त होगा वो मोदी के साथ होगा। लेटर मिला राष्ट्रपति महोदय, क्या श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह की सफलता के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह की सफलता के लिए शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। मैं भारत की राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना शुभाशीष और शुभकामनाएं श्री कल्कि धाम के मंदिर के निर्माण के लिए दी हैं। श्री कल्कि धाम की तरफ से, संत समाज की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में श्री कल्कि धाम के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लगभग 10:25 पर वो श्री कल्कि धाम की पावन भूमि पर पधारेंगे। श्री कल्कि धाम की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात वो श्री कल्कि धाम के गर्भगृह पर उपस्थित होंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे और 9 शिलाओं में से जो आधार शिला है, जिसे कूर्म शिला भी कहा जाता है, उसको अपने करकमलों से स्थापित करेंगे।